नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ एंड वास्तु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन बजा के क्लिक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आज मैं आपकी एक ऐसी समस्या का समाधान लेके आया हूँ जो काफ़ी इंसानों को इस टाइम हो रही है, और वो समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि हर इंसान उससे परेशान हो रहा है। ना ही तो मिटने का नाम ले रही है, ना ही वो ख़त्म होने का नाम ले रही है। वो कंटिन्यू 6 महीने से, 4 वर्ष से और 2 साल तक के लंबे समय से चलती जा रही है। तो दोस्तों, आज इसी समस्या के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे, और उस समस्या का नाम है दाद। दोस्तों, दाद एक ऐसी प्रॉब्लम है अभी पीछे 1 से 2 साल की, जो हर किसी इंसान को होती जा रही है और मिटने का नाम नहीं ले रही है। और सभी इंसान उसको काफ़ी दवाई लेते, क्रीम लगाते, काफ़ी कुछ करने के बाद भी उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है, और आखिर में जाते सभी बंदे उस चीज से परेशान हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस समस्या पर आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। और दोस्तों, इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियो दाद के ऊपर बनाए हैं, जिनसे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उन दोनों तीनों वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाके वो भी ट्राई कर सकते हो। उनसे भी पॉजिटिव उनके कमेंट्स आप पढ़ सकते हो, उन्हें सभी कमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं और सभी को फ़ायदा आ रहा है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ कि दाद है क्या, कैसे होता है और क्या क्या प्रॉब्लम देता है और किस कारण होता है। दाद एक खुजली स्क्रीन प्रॉब्लम है, जो अपने शरीर पर खुजली चलती है और स्क्रीन पर छोटे छोटे लाल डब्बे हो जाते हैं, और उनको अपन खुजली रहने के बाद में जो हाथ अपना कहीं भी टच होता है वहाँ पर वो दाद का रूप फिर से ले लेता है। क्योंकि इसमें जो एक्जिमा रोड होता है, ये स्क्रीन की रोड है, छोटी छोटी फुंसियाँ होती है, उन फुंसियों में छोटा पानी भरा होता है, उस पानी को अपने शरीर पर कहीं भी टच होने पर वो वहाँ भी दाद का रूप ले लेता है, और ये काफ़ी लाल होता है, और इसमें खुजली इतनी ज़्यादा चलती है जिसकी कोई हद नहीं है। तो दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है अपने चेहरे पर, हाथ पैरों पर और अपने गुप्त अंडों के आसपास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, और अभी सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम ही यहाँ ही दे रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ सफाई रखनी पड़ेगी, अपने शरीर में ढीलापन नहीं रखना है, हमेशा अपने शरीर को साफ रखना है। आसपास में कहीं भी हो वहाँ पाउडर लगाना, आपको पाउडर आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, उससे आपकी त्वचा सूखी रहती है, ढीलापन नहीं रहता, तो इससे भी काफ़ी फायदा मिलता है। पर आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ वो एक देसी उपाय है, जिससे आपका दाद ऐसे गायब हो रहा है कि आपको कभी सपने में नहीं सोच रहे कि आपकी दाद था। तो दोस्तों, उन सभी को जानने के लिए मेरा ये पूरा वीडियो देखना, और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना, है वो व्हाट्सएप पर हो, फेसबुक पर, किसी भी टाइप से हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, उसके लिए आपको 2 सामग्री चाहिए। पहली तो ये पेड़ जो मेरे हाथ में है, उसको रेवता का पेड़ बोलते हैं, और रेवता का पेड़ आपको बाहर कहीं भी मिल जाएगा जहाँ काफ़ी पेड़ होते हैं उनमें, तो इस पर येल्लो फूल आते हैं और छोटी छोटी फलियाँ आती है। तो दोस्तों, इस पेड़ को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये पेड़ आपकी दाद की और खुजली की समस्या को ऐसे मिटाएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। और दोस्तों, दूसरा ड्राइडा ग्रूथ। दोस्तों, आपने ड्राइडा ग्रूथ के बारे में काफ़ी अपने पुराने ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है और ये पूजा पाठ हर चीज़ में होता है। तो दोस्तों, ड्राइडा ग्रूथ आप इस पेड़ के साथ उपयोग करोगे तो ये इतना ज़बरदस्त उपाय हो रहा है आपके लिए कि आपका दाँत पता नहीं चलेगा कि कब साफ हो गया और दोबारा हो रहा भी नहीं। तो दोस्तों, आपको ड्राइडा ग्रूथ और ये दोनों लेने हैं। तो दोस्तों, ये बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसकी जो पत्तियाँ है वो तोड़ लेनी है। इन पत्तियों को तोड़ के आप इकट्ठे कर लीजिए, जितने आपके दाँत है उसके अनुसार आप पत्तियाँ तोड़ लेना, और उसके बाद में इसको या तो अमान दस्ते में या मिक्सी में इसको पीस लेना, वो भी डायरेक्ट ग्रूथ के साथ। आपको इसमें पानी नहीं डालना, डायरेक्ट ग्रूथ मिलाना है इसमें। तो दोस्तों, इसको पीसने के बाद में ये आपके पास सामने आ गया है, इसमें आप अच्छे से डायरेक्ट ग्रूथ मिला लीजिए। अगर आपको कम लगता है तो 1 चम्मच और डाल लीजिए, और इसको मिलाने के बाद में अच्छे से 5 मिनट इसको साइड में रख देना, और फिर उसको आप अपने हाथ पर जहाँ भी दाद हो रखा है उस पर इसका जो रस है ना उसको धीरे धीरे लगाना है, और ये आपको दिन में 2 बार रखना है, एक तो रात को सोने से 5 से 10 मिनट पहले, और ये सुबह नहाने के बाद में। और दोस्तों, इसको लगाने के बाद में आप इसको आराम से सूटने का टाइम देना, और ये आपको डेली रखना है,
जिससे आपके 3 से 4 दिन में आपके दांत ऐसे साफ हो जाएंगे कि आप कभी सोच भी नहीं पाओगे कि आपके दांत थे। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना और अपने दोस्तों को, अपने सभी जानकारों इस चैनल के बारे में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।